आज का जो लेक्चर है वो कार्बोनेट्स की बात करते हैं। अच्छा, कार्बोनेट्स कोई बड़ा ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, लाइक लिटरली 4 स्लाइड, ठीक है, तो बिल्कुल छोटा चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से इंशाल्लाह देखना, मैं 2 मिनट में हम गो थ्रू कर। कार्बोनेट्स क्या होती हैं? द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हम बाद भी उससे की करते हैं, ठीक है। और कार्बोनेट्स की बात करें तो और कौन से कार्बोनेट्स होते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ढेर सारे हैं, ये 3 बार मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ढेर सारे। हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मार्बल जो लगा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट है। यूजेस क्या है? इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी इम्प्योरिटीज एसिडिक इम्प्योरिटीज लाइक SiO2। ये इक्वेशन दी हुई है। मेटल्स जब हम पढ़ेंगे उसमें जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे तो हम इस पर दोबारा आएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइम स्टोन प्लस क्ले जो है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है, या जिसको हम सीमेंट कहते हैं, और कैल्शियम सिलिकेट भी बनाता है, ठीक है। सीमेंट इज देन कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और जब उसमें इस्तेमाल करते हैं तो इट इज स्प्रेड विद वाटर सो दैट द पार्टिकल्स जो है वो टाइट हो जाए इसमें। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाइम केल्न होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम हो जाती है, और वो जो लाइम है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ सॉइल, डीसल्फराइजेशन ऑफ फ्लू गैसेस, ठीक है, बस ये बात है। तो कार्बोनेट्स बस ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक है, चैनल के वैसे आपस में बातें क्या है, ठीक है, सिलेबस में देखें पूरा अलग चैप्टर नाम नाम ज्यादा है, बस छोटा सा चैप्टर है, वो भी हमने कर दिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।